बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, जिनकी फिल्मों को देखने का इंतजार फैंस बड़ी ही बेसब्री से करते हैं, वो जल्द ही लोगों के लिए राधे योर मोस्ट वांटेड भाई लेकर आने वाले हैं। ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक। सलमान खान की इस फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली। साथ ही इस फिल्म में सलमान खान एक बार फिर से दिशा पाटनी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। इससे पहले दोनों फिल्म भारत में भी नजर आ चुके हैं। वहीं इस फिल्म में रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ, गौतम गुलाटी और जैकलिन फर्नांडिस भी दिखाई देंगे। वहीं आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राधे के लिए फिल्म की स्टार कास्ट कितनी फीस चार्ज कर रही है। सलमान खान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमेशा ही हर फिल्म के लिए अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन जिन फिल्मों को वो प्रोड्यूस करते हैं उन फिल्मों में वो फीस की जगह फिल्म की कमाई का प्रॉफिट शेयर लेते हैं। फिल्म राधे को भी भाईजान प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए वो एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे। बता दें कि फिल्म में सलमान राधे के रोल में दिखाई देंगे, साथ ही इस फिल्म में वो धुआंधार एक्शन सीन्स करते दिखेंगे। दिशा पाटनी। भारत में सलमान संग रोमांस करने के बाद दिशा पाटनी अब फिल्म राधे में भी भाईजान के ऑपोजिट नजर आएंगी। खबरों की माने तो सलमान खान भारत में दिशा की परफॉर्मेंस से काफी खुश थे, इसीलिए उन्हें अपनी दूसरी फिल्म में काम करने का मौका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिशा पाटनी को इस फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। रणदीप हुड्डा। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा फिल्म राधे में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। वो इससे पहले सलमान के साथ फिल्म किक में भी काम कर चुके हैं। फिल्म में रणदीप और सलमान के बीच जबरदस्त फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणदीप हुड्डा को इस फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जैकी श्रॉफ। बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ भी सलमान की फिल्म राधे में बेहद ही खास रोल में नजर आने वाले। वो इससे पहले भाईजान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए जैकी को लगभग 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में कैमियो करती नजर आएंगी। साथ ही इस फिल्म में उनका एक आइटम सॉन्ग भी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए जैकलिन को लगभग 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। गौतम गुलाटी। बिग बॉस 8 के विनर गौतम गुलाटी भी सलमान खान की इस फिल्म में बेहद इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो जमकर अपनी बॉडी भी फ्लॉन्ट करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए गौतम को लगभग 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। प्रभु देवा। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर प्रभु देवा, जो कि इससे पहले सलमान के साथ वॉन्टेड और दबंग 3 जैसी फिल्म बना चुके हैं, वो एक बार फिर सलमान के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, राधे की कमान भी प्रभु देवा के हाथ में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभु देवा को इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बता दें कि फिल्म राधे को सलमान के साथ साथ उनके भाई सोहेल और जीजा अतुल अग्निहोत्री भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान की इस एक्शन पैक्ड फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। फिल्म में दर्शकों को हाई ऑक्टेन सीन्स भी देखने को मिलेंगे, यानी राधे फुल ऑन मसाला एंटरटेनर होने वाली है। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।